जब डेंटेशन पी उसके अपने मसाइल हैं, डायरिया होगा, बुखार होगा, चिड़चिड़ा होगा, रोएगा, वो कहानी आप मेरे तो छोड़ दें। अब वो जो डेंटेशन पीरियड है उसमें बेसिलिनियम की एक डोज दे दें, दांत आसानी से निकाल लें। कलकेरिया फास दे दें, वनम देते हैं हम, दांत आसानी से निकलने शुरू हो जाए। और मोशन है, पोडोफाइलम दे दें 30 में, मोशन रोक देगी, कैमोमेला भी रोक देती। अब डेंटेशन पीरियड को भी आपने, फीवर है आप कैमोमेला देंगे, बेलाडोना देंगे, रोना भी बंद होगा, बुखार भी ठीक कर देंगे। मोशन है, एक डोज बेसिलिनियम की दे दें, डेंटेशन पीरियड की एक डोज बेसिलिनियम की दे दें, वैसे भी सेट कर देती है बच्चे को, इन्फेक्शन वेक्शन जो भी हो ठीक कर देती है। उसके बाद आप पोडो 30 में दे दें, दो एक दिन दें, दो दिन देंगे रुक जाएंगे। फिर एक और दवाई इस एरिया में बड़ा काम करती है, फेरमेट, जिसमें मोशन भी होते हैं साथ उल्टी भी शुरू हो जाती है। वो जी उल्टियाँ मोशन, दोए माँ पिटेगी, उल्टियाँ मोशन, उल्टियाँ मोशन, फेरमेट। फिर यहाँ रिफ्लेक्स आता है, दूध बाहर फेंकता है बच्चा, इथूजा, वहाँ भी फेरमेट बहुत अच्छा रोकती है। कभी बहुत नो चांस के फेरमेट फेल होती है। और यहाँ फिर आपके मिल्क टॉलरेंस नहीं होता तो मैक कार भी है, नेटम कार भी है, लेकिन आपको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती। फेरमेट बहुत ज़्यादा लीड कर जाती है, हालांकि थोजा की बड़ी तारीफ है, थोजा हम देते भी हैं लेकिन बाद तो भाई थोजा भी रह जाती है, फेरमेट नहीं रहती। अच्छा, इसमें मोशन, इस स्टेज में मोशन, माँ बड़ी परेशान होती है, 10-10 मोशन, 12-12 मोशन। इसमें एलोज भी बड़ा अच्छा काम कर, इसमें एक और दवाई है क्रोटनटेक, इसके स्पूटरिंग, स्पूटरिंग पिट पिट की आवाज़, स्पूटरिंग मोशन, क्रोटनटेक, स्पूटरिंग कलकेरिया फॉस, मोशन पड़े पड़े रंग बदल जाएं, अर्जेंटम नेट्रिकम, मोटरम मोशन ग्रीन कलर के सबज नेटम सल्फ। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि अब मैं 2-3 दवाइयाँ मैं मिक्स करता हूँ, बड़े पुराने चलती हैं, अब चाहे मेरी गलती है चाहे, लेकिन मैं वो करता हूँ। मतलब एलो क्रोटन को बड़े अरसे का मैं करता था, 30 में या 200 में या 1 में एलो क्रोटन मिक्स कर देना, टू टिक करके मोशन बंद कर दे, बड़ा हो या छोटा हो। एलोज और क्रोटन टिक 200 में, 30 में, 1 में हम गठी करके देते थे पहले, नहीं प्रैक्टिस थी इतना सा, अब तो नहीं देता लेकिन देता हूँ फिर भी कभी कभी दे देता हूँ। एक ये मैं मिक्स करता हूँ, एक मैं ब्रायोनिया और र्यूमैक्स मिक्स करता हूँ, एक में एलोमिना और ब्रायोनिया मिक्स करता हूँ कब्ज के लिए, और एक और चीज़ हाँ लिडियम कालची, मैं चार दवाइयाँ सिर्फ मिक्स करता हूँ, और कोई नहीं करता। और ये अब मैंने छोड़ी इसलिए है, मतलब छोड़ी इसलिए ना कि लोगों को इससे फ़ायदा है, अदरवाइज मैं कंपाउंड इस तरह कंपोजिशन में नहीं यूज़ करता, मैं एक दवाई के बाद दूसरी देता हूँ लेकिन इस तरह नहीं करता। लेकिन ये पहले से मेरे शुरू की प्रैक्टिस से ये चले हैं, अभी तक चल रहे हैं। कब्ज में बच्चों की, इन्फेंट कब्ज में एलोमिना ब्रायोनिया 30 में देना तो कब्ज ठीक कर देता है। ये कफ, ड्राई कफ के जो यहाँ से, इसमें र्यूमैक्स ये बहुत चलता है, ये बड़ों में भी चलता है, ये बहुत चलता है, ये र्यूमैक्स ब्रायोनिया तो बहुत चलता है। डोसा के साथ 1 mm बच्चों को 30 में, बड़ों के 1 mm 200। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा टाइम है, ये इस सेज के मोशन किसी दवाई से नहीं रुकेंगे, ये मैं आपको एक दवाई, ये सारी दवाइयाँ फेल हो जाएंगी। जो वैक्सीनेशन के मोशन होंगे, वैक्सीनेशन लगने के बाद, अब मैं कोई 20 साल पुराना मेरी स्टडी है, 20 साल पहले की बात है, एक बच्चा मेरे पास ठीक ही ना हो,
एस्टोनिया जहाँ एलेट्रियम एक और भी दवाई है एलेट्रियम उल्ट्री मोशन में वो भी बड़ा एलेट्रियम ई से एलेट्रियम तो ना रुके। मैं कह यार इसको मैं क्या करूँ, मैंने बेसिलिनियम भी दे दिया इसको, मैंने सारी दवाइयाँ गुजो रूम फलान जो जो कितने। मैं अगले दिन पढ़ा रात को जाके कहीं तो मैं वैक्सीनेशन को पढ़ रहा था, उसने कहा जो वैक्सीनेशन के मोशन है थूजा के अलावा किसी से ठीक नहीं। मैंने 30 में एक डोज दी उस बच्चे को मोशन रोक। अब हम इस प्रैक्टिस में होते हैं कि जो मोशन ना रोके ना थूजा 30 दे दो, क्यों वैक्सीनेशन की वजह से ना है? नहीं वो और भी बहुत हैं, थलेशिया भी है वैक्सीनियम भी है, लेकिन इस पे थूजा मज़े की लग जाती है। आफ्टर वैक्सीनेशन वैक्सीनम है आपकी, सिलेशिया है इंटमटा वो है मिलेडिनम है, लेकिन थूजा से 30 में काम का एक डोज से काम चल जाता है। लिहाजा मोशन